पत्थर की बिंद नहीं। जी अठिया बहुत ठीक खावे है ना तू, आज देखो थारी कमर कितना साथ देवे है थार। कलस की रस्म का मुहूर्त हो गया है, थारी बिन्नी अभी तक ना आई। तने पता है ना शुभ समय किसी के लिए ना रुके, सूरज की नखरालू बिन्नी आए ना आए कलस तू उठाएगी। जी मासा, मासा आइए आइए पधारिए सा, आपके जन्म पे तो चार सुपातर बिंदनियों की अर्थी उठी होगी। आइए आइए बैठिए ना, बैठिए आइए बैठिए, आराम से बैठिए। मासा मैंने कहा ना बैठिए। बोलिए क्या लेंगी आप, चाय नाश्ता दूध या फिर एक गिलास भरकर घी पियेंगी आप? अभी तो सूरज डूबने में टेम है ना, कलश यात्रा तो होती रहेगी, कल कर लेंगे है ना। बैठिए ना आप। रे संतुड़ी कितनी समझदार है ना थारी बिंदनी, बैठने के लिए कहा और सास के सामने बैठ गई। यही संस्कार दिए है ना चले। खैर जाने दो, और हाँ कुमार के यहां जाके कलश की रस्म पूरी करो, और कलश लेकर वापस लौटो ना, तब सीधा घर में ना घुस जाना, बाहर थारे बिंद खड़े होंगे नेक के लिए, समझ गई ना सारी फुवड़ कई की। रुक बेननी, मारी बात सुन, ये रसम थारी बस की ना है, और औरतों में थारी और मारी हंसी कराने से तो अच्छा है कि मना करते हैं। मैं मासा से कहकर किसी और ने भिजवा दूंगी। अब मैं कर लूंगी, मेरा विश्वास कीजिए, आपकी हंसी नहीं उड़ने दूंगी मैं। बीनी, ये पानी की बाल्टी ना उठानी है, यहां से उठाकर वहां रख दी, इतना आसान ना है। ये ब्याह के मिट्टी के कलश है, थारी लापरवाही से मिट्टी में मिल जाएंगे कलश, थारो घमंड भी।
तुझे तो याद है ना इस ब्याह में मैं तने क्यों लेकर आई हूँ। दूजा मौका दिया है तने और बेनी मारी बात सुन, ये रसम थारी बस की ना है। हर औरतों में थारी और मारी हंसी कराने से अच्छा है कि मना कर दे। मैं मासा से कहकर किसी और ने भिजवा दूंगी। ये ब्याह के मिट्टी के कलश है, थारी लापरवाही से मिट्टी में मिल जाएंगे कलश और थारो घमंड भी। बाबू मैं कर लूंगी, मेरा विश्वास कीजिए। अपशगुन हो गया, मगर मासा से कहेगा कौन?